अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। भाई आज हम मलिर में सऊदाबाद पे मौजूद हैं और लास्ट टाइम भी भाई यहाँ पे हमने व्लॉग शूट किया था तो इनके पास एक मतलब अबलक में बछिया थी और एक पांडे में बछड़ा था और इंतहाई खूबसूरत वो बछड़ा बछड़ी थी, जो कि मेरी इनसे मुलाकात भी मलिर मंडी में ही हुई थी और मैं इनके पीछे भेजे ये मुझे घर ले आया था तो मैंने इनका व्लॉग शूट किया था। तो अभी भी कुछ इस तरीके का माल है शौकीनों के लिए और फैंसी माल जिसको कहा जाता है कि भाई जो लोग शौक़ करते हैं अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ का। और रूफ़ के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है यार, मतलब कोई ज़मीन पे इतनी स्ट्रगलिंग करता है पालने के लिए और जो रूफ़ पे ये सारे सेटअप कर रहे हैं भाई उनकी अजमत को सलाम है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जानवर है और उसका मतलब सारा जो करता धरता है और जिस तरीके का मामले थे गंदगी के और मैनेज करना ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लगता बहुत आसान है भाई शौकीनों को शौक करने में, जो नए शौकीन हैं मैं इनका मतलब डिसअपॉइंट नहीं कर रहा कि मतलब शौक करें, लेकिन भाई हिम्मत और लगन के साथ करें। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको लगता है भाई सर्दी गर्मी के मौसम होते हैं उसमें मामला थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि भाई सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं तो उस वजह से शौक ख़त्म कर देते हैं। भाई शौक का तो कोई मोल नहीं है और जो दिल से शौक करता है तो वो हमेशा सालों साल करता है। तो इसी तरीके के ये शौकीन हैं, उनकी तरफ चलते हैं। फाद नाम है और बड़े ही मतलब कम उम्र में उन्होंने ये सारा सेटअप स्टार्ट किया और दिखाऊंगा इनका शौक और बेहतरीन किस्म की जो वनडे दिए जाते हैं ये भी उसी वनडे को मतलब उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैनेज करते हैं। तो चलते हैं उनकी जानी। और जो दोस्त भाई अपने जानवरों की प्रमोशन करवाना चाहते हैं और अपना शौक दिखाना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करें 03122679576। फात भाई हमारे सामने मौजूद हैं तो फात भाई से इनके बारे में डिटेल जानते हैं, कितने टाइम से ये शौक कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किल इनके सामने आती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फात भाई क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। फात भाई ये बताएं कितने टाइम से कितने अरसे से ये शौक कर रहे हैं? भाई ये तो बचपन से ही शौक है, मगर जो जानवरों बड़ा जानवर थे ये हमने 8 साल से रखना शुरू करें, 8 साल हो गए इनको करते हुए। खिदमत शौक जो लोग अंदर आजकल पैदा हो रहा है पालने का, जानवर की खिदमत करने का और कुर्बानी पे कुर्बान करने का या सेल परचेजिंग करने का, उनके लिए कोई मैसेज कोई इस तरीके की बात है तो बताएं। भाई ये कि शौक के ऊपर बात है, किसी को मुश्किल भी लगता है किसी को आसान भी लगता है, बस जैसा शौक है हमने शौक के हिसाब से अपना सेटअप करा हुआ है, ये घर पे छत पे बनाया हुआ हमने सेटअप ये। ठीक है। अच्छा तो ये आप जो फैंसी जानवरों का शौक करते हैं, एक तो ये होता है कि मंडी से माल खरीदा उसको लाके कुछ लोग शौक कर रहे हैं वो मतलब लो कैटेगरी का शौक होता है, आप जो इतने हाई कैटेगरी का शौक कर रहे हैं वो भी रूफ़ के ऊपर, इसके बारे में बताएं। मतलब ये इतना फैंसी शौक रूफ़ पे करना जो कि नॉट बी पॉसिबल, जानवर का वेट भी वजूद भी ज़्यादा होता है काफ़ी सारे, मैं समझ सकता हूँ बहुत मुश्किल होती होगी, आप बताएं आपको कितना इसमें मामला देखने में आते हैं? भाई ये कि हम साल के साल ले लेते हैं जानवर खूबसूरत और फैंसी में, यही फैंसी अच्छे लगते हैं, बाकी जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल में मेहनत करो कोई फ़ायदा नहीं, खूबसूरती में ये कि अच्छे हो जाते हैं, नुकरे होगा गुलाबी पांडे ये सब इसी चीज़ का हमें शौक है, बाकी नॉर्मल में तो हमने नॉर्मल में भी पहले शौक करा था, अब ये फैंसी की तरफ आ गए हम थोड़े। अच्छा जो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, मतलब जो वंडा खिलाया जाता है अगर वो वंडा अगर हम देसी जानवर को खिलाएं तो वहाँ लगता हुआ नज़र आएगा, बेसिकली कहने का मतलब यही है, और अगर मतलब ऐसे नॉर्मल जानवर को खिलाएंगे जो मतलब नस्ल में नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है वेट भी इतना ग्रो नहीं करेगा, कहने का मकसद यही है आपका? भाई ये जानवर के ऊपर डिपेंड करता है, जानवर कैसा है कितनी छूट है उसके अंदर ये सब देखा जाता है, बाकी आम जानवर भी बनते हैं अच्छे, ये नहीं बनते उसकी खिलाई के ऊपर है, खिलाई जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जानवर बनेगा। एक जानवर पे एस्टिमेट कितना बढ़ जाता है, पर डे खर्चा कितना आता है? वहाँ पर डे एक जानवर का आ जाता है 1500 रुपये। 1500 रुपये, ये अगर 1500 की बात करूं तो भाई ये महीना बनता 45,000 रुपये लगभग कुछ ऐसे ही है। अच्छा खिला रहे हैं इसके अंदर तुड़ी दे रहे हैं, चोकर है, कुत्तर है, खल है और दलिया है इसमें, और फीड वगैरह भी देते हैं इसमें हम। अच्छा तो मक्खन, अभी मक्खन भी दे रहे हैं इसको, घी भी दे रहे हैं जैसा कि सर्दी के हिसाब से मतलब दे रहे हैं घी घी वगैरह। जो पहला बछड़ा बांध निकाला है इसकी डिटेल वगैरह बताएं हमारे व्यूवर्स को। भाई ये दांतों में अभी 4 हुआ है। ठीक है। 44 स्थानीय बच्चा है ये, पांडा ब्यूटी है, कलर वगैरह सब देखें अच्छा है ये। अच्छा ये आपने कहाँ से परचेज किया था ये? भाई ये परचेज हमने शेखवान से किया था, शेखवान की मंडी से। जी ठीक है। तो आपके पास कितना टाइम हो गया इसको? इसको हमारे पास 1.5 साल हो रहा है भाई। 1.5 साल हो चुका है।
अच्छा, इसमें बछड़े में कितनी और गुंजाइश है, मतलब कैपेसिटी कितनी है? काफ़ी गुंजाइश है अभी इसके अंदर, आप देख सकते हो उसकी झालर वगैरह, काफ़ी गुंजाइश है इसके अंदर अभी। सही। अच्छा, इसकी जो वैक्सीनेशन वगैरह है, सब टोटल पूरी वैक्सीनेशन है ये, हर चीज़ की वैक्सीनेशन वगैरह हमने करवाई हुई है इसकी। ठीक है, अगर जो भाई लेता है तो उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की? नहीं है इसकी। सही, जो इसका टोटल कोर्स होता है वो आपने पूरा करवा दिया? पूरा हुआ। ठीक है, तो इसका भी वेट वगैरह के बारे में बताएं मुझे, लाइव वेट और मीट वेट कितना होगा? ये मीट वेट में 5.5 से 5.25 मन है मीट वेट में। मीट वेट में अगर लाइव का देखा जाए तो 11 से 10 मन। ठीक है भाई, लाइव का डबल ही हो जाता है। खैर माशाल्लाह, सबसे यूज बछड़ा जो मैं देख सकता हूँ आपके पास इस टाइम ये मौजूद है, तो इसकी डिटेल वगैरह बताएं हमारे व्यूअर्स को। भाई ये भी 44 सानी में है, गुलाबी नुक्ते में। अच्छा, और इसका नाम भी हमने रखा हुआ है। नाम भी रखा हुआ है, सही। ओरियो नाम है इसका। ओरियो नाम है भाई, माशाल्लाह। ये देख सकते हैं भाई ओरियो को, ये इसका जो पूरा वाइट है इस तरफ से, और फेस ब्यूटी है, गुलाबी नोज में है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो ओरियो की डिटेल वगैरह बताएं, ये कहाँ से इसको परचेज़ किया और कितना टाइम आपके पास हो गया इसको? बकरीद पे लिया था, शराब बोर्ड से। अच्छा, शराब बोर्ड से आपने इसको लिया था बकरीद पे? लिया था 2022 में। 2022 में, जब इसकी हाइट वगैरह क्या था, इसका रिजल्ट वगैरह? छोटा बच्चा था ये। अच्छा जी, वजन में तकरीबन ये 3 मन का था। 3 मन का बछड़ा था, बच्चा था ये। सही जी। आप वेट स्ट्रक्चर उससे बहुत लेंदी है बछड़ा, हो सकता है आपको वाइड एंगल में इतना वाजे नजर नहीं आ रहा हो। पाद भाई, आपकी हाइट कितनी है? मेरी भाई 5.2 है। 5.2 है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाद भाई आप थोड़ा करीब हैं, ये देख सकते हैं 5.2 है। ये आपको मैं बैक दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बैक से जो जानवर नज़र आता है, माशाल्लाह बहुत, मतलब इसकी लेंदी है। ये बछड़ा भी आपको वाइट वाला इसके साथ ही खड़ा हुआ है, दोनों में बिल्कुल वाजे फ़र्क नज़र आ रहा होगा हाइट और लेंथ का अनुरी थी। तो उसमें फात भाई ने मुझे बताया, भाई ये पंच हुए हैं, मतलब ये देसी बछड़े हैं प्योर। तो फात भाई, ये आपने उसी टाइम मतलब लेते के साथ ही मतलब ये मामलत कर दिए थे? ये हमने अभी रबी अव्वल में करवाए दोनों। अच्छा, तो क्या मतलब मस्ती वगैरह ज़्यादा कर रहे थे? नहीं नहीं, रखते हम पंच ही रखते हैं। पंच रखते हैं, ठीक है। मतलब स्मेलिंग वगैरह भी ज़्यादा कुछ इस तरीके के मामलत। तो फात भाई, इस बछड़े में कितनी और गुंजाइश है? इसमें भी अभी काफ़ी गुंजाइश है, और माशाल्लाह वेट भी अच्छा बढ़ा रहा है ये, माशाल्लाह उससे अच्छी प्रोग्रेस इसकी है जी। सही, तो आप के हिसाब से इसने जब आप लेकर आए थे तो जब वेट किया था, अब वेट जैसे कि आपने बताया 3 मन का था ये, अब इसका वेट कितना है भाई? अभी ये 6.25 मन, 6.5 मन ऐसा बच्चा है। 6, 6.25 मन। अच्छा, जो वनडे के ऊपर आप खर्चे बता रहे थे 1500 रुपये, वो इन वही खर्चा है इसका भी? जी जी, इसका भी वही है, दोनों का वही खर्चा है। मतलब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, मतलब जितना उसने फैलना था वो फैल गया, ठीक है। अब बस वजन ही बढ़ाएगा ये, ऑलमोस्ट हो सकता है और हाइट करे? अभी हाइट भी कर रहा है ये, और वजन भी बढ़ा रहा है दोनों। अच्छा, दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा है, माशाल्लाह। तो भाई ये देख सकते हैं माशाल्लाह प्रोग्रेस इस बछड़े की। तो चलते हैं इनके नेक्स्ट जानवरों की तरफ। सबसे बड़ा यूज बछड़ा यही है फात भाई के पास, उसके बाद वो वाला बछड़ा है जो कि ये तो तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार ही है, ठीक है। और जो दादे बछड़ा अभी, और वो 4 दाद हुआ। अच्छा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात चले जी, हम तो आपकी जगह पे आ गए और रूफ टॉप फार्मिंग जो आप देख सकते हैं शौकीन हजरात फात भाई कर रहे हैं। तो फात भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वीडियो देख के, क्या डिमांड होगी उनकी वीडियो में, क्या उनको मतलब रेट सुन के कुछ इस तरीके की बात जो आपसे वो सुने और वो शॉक्ड हो जाए, मतलब मार्केट में जो उनके लाखों रुपये बताए जाते हैं उसके बनिस्बत आपका क्या रेशियो है? भाई उनसे तो कम ही रेट होंगे। अच्छा, फार्मर वगैरह जो फार्म पे हैं उनके तो काफ़ी हाई क्लास रेट होते हैं, मगर ऐसे रेट नहीं होंगे हमारे, रेट मुनासिब ही होंगे रेट। ठीक है भाई। अच्छा जी फात भाई, ये जो माशाल्लाह से, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गुलाबी नुकरा जो कि तकरीबन लोग जानते हैं, जानवरों के खूबसूरती में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर वन प्योरिटी पाकिस्तान की ये है गुलाबी नुकरा, जो कि काफ़ी सारे लोगों का। तो फात भाई, इसके बारे में बताएं, ये आपने कहाँ से परचेज़ किया था? ये भी शेखवान से बच्चा मंगवाया था, छोटा बच्चा हमने ये। अच्छा जी, इसको मेरे पास अभी 9 महीने हो रहे हैं। 9 महीने आपके पास हो रहे हैं? लिया था, और ये 2024 का है। 2024 का है, इस साल का नहीं है ये, 2023 का। ठीक है, 24 का है ये। तो आपने जब लिया था इसकी एज कितनी थी भाई? ये 2.5 महीने का बच्चा था ये। 2.5 महीने का बच्चा था जब शेखवान से आप लाए थे, तो अभी आपके पास कितना टाइम हो गया?
9 महीने आपके पास हो जाएगा ठीक है। माशाल्लाह ये हाइट वगैरह तो मेरे ख्याल में और ये करेगा भी, बच्चा अभी और ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो जैसा कि बताया 9 महीने का भी इनके पास हो चुका है। तो ये अभी सिंग वगैरह का क्या मामला था इसके भाई? ये भी महीना पहले सिंग बनवाए इसके हमने। सिंग बनवाए आपने जी, सही। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने में हर चीज़ में हर लिहाज से हर चीज़ है, बच्चे प्रॉपर है, ठीक है, कोई किसी किस्म का नुक्स नहीं है इसमें। अच्छा दूसरा सवाल मेरा वीडियो में यही आ रहा होगा, वो तो बड़े जानवर है उनके ऊपर 1500 रुपये खर्चा आ रहा है, क्या इनके ऊपर भी वही खर्चा आ रहा है? इनमें थोड़ा कम है खर्चा। इनमें कितना खर्चा है? इसमें आ जाता 500 रुपये आ जाता। 500 रुपये पर हेड जी। अच्छा वंडा वगैरह वही है जी। ठीक, मैक्सिमम वेट कितना होगा मीट वेट? भाई मीट वेट में ये होगा तकरीबन 3 मन है अभी। 3 मन है, थोड़ा इसको घुमाएं दिखाएं हमारे व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स ये देख लें, आप खुद जज कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बता ही सकता हूँ तकरीबन ये तकरीबन 2.5 मन से तो ऊपर ही है। और ये बछड़ा है जो कि वक्त के साथ साथ ये अभी 4 कुर्बानी ये कुर्बानी है। तो इसको आपने मतलब वीडियो के अंदर फोर सेल पे नहीं लगाया? ये फोर सेल नहीं, सिर्फ 3 जानवर हैं फोर सेल के, 2 अंदर जा चुके हैं। अच्छा जो सेल का है वो ये वाला है, खीरा, ये इस साल चांस पे है, ये इस साल चांस पे है। तो ये आपने कहाँ से परचेज किया? ये यहीं से मलिर से किया था हमने, ये मलिर से ही किया था। कितने महीने का था इसको भाई? हमारे पास 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए मलिर मंडी से लिए हुए, तो इसमें फ़र्क कितना है? आया काफ़ी फ़र्क आया इसमें, काफ़ी फ़र्क आया। इसकी भी वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर हुई भी है? प्रॉपर हुई है। ठीक है जी, इसको 6 महीनों है। कब सबसे कम टाइम पीरियड इसका है जो आपके पास अभी नया ताज़ा माल जो मैं कह सकता हूँ कि वो ये बछड़ा है? और ये बकरा इस पर लग जाएगा चांस के ऊपर है? चांस से हो जाएगा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह मालिक है। सही, तो चलें जी, ये तो इनके जानवर थे। अच्छा इसका मीट वेट आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं भाई? ये मीट वेट में होगा 3.5 मन होगा। 3.5 मन जो कि मैं समझ सकता हूँ वो इससे ज़्यादा भारी है, कोडू में भी है, कोडू में तो ज़्यादा है। अच्छा जी चलें जी, वो मैं जो समझ सकता हूँ वो ज़्यादा है, ये कोडू है, ये वेट में कम है, ये तो खैर लेने वाले हजरात ही जज कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके 3 जानवर हैं फोर सेल के, और दूसरे कोई तो फात भाई वीडियो को अब एंड करते हैं, जाहिर सी बात है मगरिब का टाइम होने वाला है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मतलब आपने बताया कि मार्केट से बहुत मतलब रीज़नेबल प्राइस होंगे, मतलब जो भी आपको कॉन्टेक्ट करेगा, सबसे पहले आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं मुझे। मेरा कॉन्टेक्ट है 0312-11-43024। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है जी। दूसरा कोई नंबर है आपका? दूसरा भाई का है, बताएं। 0312-879-0832। ठीक है जी भाई, ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं, एक भाई का है एक फात भाई का है। मैं जो मंडी में जाता हूँ मैं मतलब व्यापारियों से कहता हूँ कि भाई हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ऐसे रेट्स वगैरह बताएं, वही सवाल मेरे आपके लिए आपके साथ होगा कि हमारे शौकीनों के लिए कुछ ऐसे रेट्स ज़रूर बताइएगा ताकि उनको लगे कि हाँ यार कि मार्केट से अच्छा तो हमारे जो दूसरे लोग हैं और जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। शौक ख़त्म करना नहीं है, शौक को बढ़ाना है, जाहिर सी बात है जहाँ इतना वंडा महंगा हो चुका है तो इस वंडे को देखते हुए हमारे व्यूवर्स के साथ क्या कोऑपरेट करेंगे भाई? जो आएगा देखिए, जो मुनासिब पैसे होंगे कम से कम में लगा देंगे, जो एक लेना चाहे एक ले ले, जो लमसम तीनों लेना चाहे, जो जैसा होगा कर लेंगे, मतलब जो जैसा होगा खाली हाथ जाने नहीं देंगे, जहाँ सौदा बन रहा होगा उसको दे सौदा करके ही देंगे। ठीक है, अगर कोई भाई समझ सकता है कि यार हम मैं आपके पास वनडे पे छोड़ूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जानवरों की, तो उनके लिए भी कुछ इससे पॉसिबिलिटी है भाई जो बकरा ईद तक रखना चाहें और आपके पास छोड़ के पलाई वगैरह करवाएं जी, अगर सौदा बन जाता है जी कर देंगे पलाई। ठीक है, ये फैसिलिटी भी फात भाई ने चले हमारे चैनल के तवस्सुत से दे दी। दोस्तों हमारे चैनल को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे और अपने शौक में इजाफा करें। बहुत शुक्रिया।